फ्रेंड्स आज मैं बताऊंगी सिंपल वेजिटेबल मैगी को हॉट स्पाइसी और सुपर टेस्टी कैसे बनाया जाए। मैगी हम सभी की फेवरेट होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। तो आज हम बना रहे हैं चिल्ली गार्लिक स्पाइसी तड़का मैगी, और ये तड़का स्टाइल मैगी आपने आज से पहले नहीं खाई होगी, तो ये मैगी खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल अनी कुकिंग टिप्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो आज की मजेदार रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। चिल्ली गार्लिक वेजिटेबल मैगी बनाने के लिए मैंने ये लिए है 2 पैकेट मैगी, ये 2 टेस्ट मेकर है। ये मैंने सिंपल वाली मैगी यूज की है, आप चाहे तो इसकी जगह पर आटा मैगी या किसी भी ब्रांड के नूडल्स यूज कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर इसे भी बारीक काट लिया है, और 2 हरी मिर्च है इसे भी हमने बारीक काट लिया है। ये मैंने लिए फ्रोजन मटर। चिल्ली गार्लिक मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पैन में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। हाई फ्लेम पर हम 1 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरी पुरानी वीडियोस भी जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। प्याज को हमने 1 मिनट फ्राई कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, शिमला मिर्च और मटर। सभी चीजों को हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक हम इसमें बहुत कम डाल रहे हैं क्योंकि जो हम इसमें टेस्ट मेकर डालेंगे उसमें भी नमक होता है। इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे, इससे हमारी सब्जियां थोड़ा जल्दी गल जाएगी। सब्जियों को हमने 1 मिनट के लिए पका लिया है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हमने 2 पैकेट मैगी लिए है तो हम 2 कप इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट मेकर। टेस्ट मेकर को हम पानी में मिक्स करेंगे और पानी में हम 1 उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें मैगी ऐड करेंगे। चाहे तो आप मैगी को तोड़कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से डाल रही हूँ क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छी लगेगी। मैगी डालकर हम इसे 1/2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इससे मैगी सॉफ्ट हो जाएगी। मैगी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, अब इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैगी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब मैगी को हम कवर करके 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। मजा नहीं आ रहा है, रुको जरा, सबर करो। जब तक हमारी मैगी बन रही है तब तक हम उसमें डालने के लिए बनाएंगे वो सीक्रेट तड़का, जिससे हमारी मैगी बनेगी सुपर टेस्टी और एक बिल्कुल नए अंदाज में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके लिए मैंने लिया है 3-4 चम्मच तेल, इसे हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, गैस की फ्लेम को हम लो पर करेंगे। ये मैंने लिया है 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, इसे हम तेल में डालेंगे। लहसुन को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है, चाहे तो गैस के फ्लेम को हम ऑफ भी कर सकते हैं, लहसुन बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है। लहसुन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया, गैस के फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और तेल को हल्का सा ठंडा करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च में तीखापन नहीं होता और इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने मैगी की तरफ। मैगी को 2 मिनट हो गए, ये देखिए 2 मिनट में ही मैगी बनकर तैयार है, गैस के फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। अब इसे हम सर्व करेंगे लाजवाब तड़के के साथ। वाह क्या सीन है। गर्मा गर्म मैगी बनकर तैयार है, चाहे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसे सर्व कर रहे हैं चिल्ली गार्लिक स्पाइसी तड़के के साथ।
अब हम मैगी में डालेंगे चिल्ली गार्लिक स्पाइसी तड़का, इससे मैगी का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाएगा। तो आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों सिर्फ 5 मिनट में तैयार है एकदम न्यू स्टाइल मैगी। Let me up with a bright smile on now.